बाड़मेर में बढ़ते कोरोना मरीजों के बाद प्रशासन ने मास्क न लगाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। वहीं मास्क की अनिवार्यता के बाद लॉयंस क्लब ने एक बार फिर से मास्क वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। शनिवार को लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने स्थानीय रेलवे स्टेशन के बाहर शिविर लगाकर आम जनता को मास्क वितरित किए। बाड़मेर के हर सरकारी एवं निजी कार्यालय, उपक्रम और संस्थाओं में अब बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। बिना मास्क पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं सरकार के इस नए नियमों की पालना में अब सख्ती ही नजर आएगी। बीते गुरुवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित कोरोना भगाओ अभियान मीटिंग के दौरान लिए गए इस निर्णय के बाद शनिवार को लॉयंस क्लब द्वारा रेलवे स्टेशन के आगे राहगीरों को निःशुल्क मास्क वितरण किए गए। साथ ही लॉयंस क्लब के सदस्यों ने आने जाने वाले राहगीरों और बाजार में मौजूद लोगों को मास्क वितरण के साथ मेडिकल एडवाइजरी की पालना के नियम भी जागरूक किए। लॉयंस क्लब अध्यक्ष रमेश जैन ने बताया कि बाड़मेर में कोरोना प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके प्रसार को रोकने के लिए लॉयंस क्लब द्वारा अभियान चलाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही निःशुल्क मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को रेलवे स्टेशन के आगे निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। रेलवे स्टेशन के आगे मास्क वितरण के दौरान सभापति दीपक माली, लॉयंस क्लब के उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश जैन, पूर्व अध्यक्ष किशनलाल वडेरा, सचिव मनोज आचार्य, गिरीश सोनी, संजय संकलेचा समेत लॉयंस क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।